बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बीएसपी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। यूपी की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट दिया गया है, कोसी से बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया गया है, एटा से मोहम्मद इरफान को टिकट मिला है और वहीं धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार तमाम जो पार्टीज हैं वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। इसी बीच में बीएसपी की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। निखिल हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में। निखिल, बीएसपी की चौथी लिस्ट सामने आ गई है जिसमें 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बिल्कुल, 9 प्रत्याशियों की सूची है और बहुजन समाज पार्टी जो बसपा प्रमुख मायावती है उनकी तरफ से इन सभी नामों को जारी किया गया है। इन तमाम उम्मीदवारों को पहले ही अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कह दिया गया था और उसके बाद वहां का क्षेत्रीय और जातीय समीकरण समझने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज इन नामों का ऐलान किया है। इसमें अगर हम खास करके बात करें तो आजमगढ़ सीट है, आजमगढ़ सीट को लेकर लगातार चर्चा थी लेकिन दूसरे दलों ने अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं और ऐसे में आजमगढ़ से लोग इंतजार कर रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती कब अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो भीम राजभर जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनको यहां पर टिकट दिया गया है और उनको उम्मीदवार बसपा की तरफ से बनाया गया है। घोसी काफी महत्वपूर्ण सीट है, चर्चा में रहती है राजनीति में, तो यहां पर जो है वो बालकृष्ण चौहान जो बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व सांसद रहे उनको प्रत्याशी बनाया गया है। उसके साथ ही एटा, धरौरा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली और रावर्ट्सगंज में जो है सुरक्षा तमाम प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ प्रदेश है कि ऐसे प्रत्याशी जो क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, जनता के बीच में जिनकी पैठ है उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, यही हो जाए कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में आप देखें दूसरे दलों से थोड़ा देरी जरूर हो रही। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने जैसा मैंने बताया कि तय किया था कि प्रत्याशियों के चयन का नामों का चयन बहुत यूज कर करना है, दूसरे दलों की तरह प्रत्याशियों को घोषित करना फिर उन्हें बदलने की स्थिति कम से कम बहुजन समाज पार्टी में ना हो, तो इसी के तहत पॉलिसी के तहत नामों का ऐलान अब किया गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अब भाजपा प्रदेश में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर रैलियां भी शुरू कर दी है, कल उनकी नागपुर में रैली थी तो अब लगातार उनके रैलियां भी जारी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए एक बात और हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बीएसपी किस तरीके से लगातार पिछड़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो इस बार लिस्ट जारी की है खास करके जो 9 सीटें हैं लोकसभा सीटें इनके प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या तस्वीर दिखने वाली है बीएसपी के लिए, ये चुनौती कितनी आसान और कितनी मुश्किल? देखिए बहुजन समाज पार्टी के लिए कम से कम अपने प्रत्याशियों को लेकर कोई चुनौती नहीं। बहुजन समाज पार्टी के पास कैडर बेस्ड वोट है और बसपा को ये बात पता है कि वो कैडर बेस्ड वोट बखूबी उसके साथ रहेगा। आप देखें चाहे 19 के चुनाव हो, चाहे 22 के चुनाव हो या इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बेस्ड वोट होता है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहता है और ये सीआई चाहे जितनी जिसकी लहर हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन बसपा का उम्मीदवार जो प्रत्याशी वो मतदाता है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप अगर पिछले लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की 10 सांसदों के बाद बहुजन समाज पार्टी के जीत कर लोकसभा में पहुंचे थे। तो ऐसे में बसपा कॉन्फिडेंट है, बसपा को किसी की कोई चुनौती नहीं क्योंकि बहुत साइलेंट तरीके से बसपा के वोटर्स मतदान करते हैं और बसपा के जो लोग होते हैं जो प्रत्याशी होते हैं और बहुत ही साइलेंट तरीके से जनता के बीच में अपनी पार्टी बनाते हैं, उसका असर आपने बहुत सारे चुनाव में देखा। बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। कासगंज से बड़ी खबर, जहां पर नहर में 5 युवकों के डूबने का मामला जिसमें नहर में नहाते हुए वीडियो भी एक सामने आया है। वीडियो